सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 8 को पूर्ण करेंगे, है ना। मैंने पिछली कक्षा में आपको बंदर बाट कहानी सुनाई थी और आप लोगों को बड़ा मज़ा आया था, है ना। आप लोगों ने सीखा, समझा, देखा क्या कि दोनों बिल्लियों में लड़ाई हो गई है। किस चीज़ को लेकर के? रोटी को लेकर के काफ़ी लड़ाई हो गई है। ये कह रही है रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी मेरी, काली बिल्ली कह रही है रोटी मेरी। देखते हैं रोटी किसकी। चलो शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर दोनों एक दूसरे पर गुर्राती है ना, दहाड़ती है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तभी वहाँ कौन प्रवेश करता है? बंदर। तभी वहाँ बंदर आता है और बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली को देख के बोलता है बंदर कि तुम कहती हो रोटी मेरी, और फिर काली बिल्ली की तरफ देखकर बोलता है, तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी यानी बंदर उसे वैसी जगह ले जा रहा है जहाँ पे वो उन दोनों बिल्लियों को न्याय देगा, यानी फैसला करेगा कि रोटी किसकी। देखते हैं बंदर फैसला करता है या खुद ही चुपचाप खा लेता है। देखो क्या होता है कहानी में। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे चलती हैं, दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चल रही हैं, यह सोच कर कि बंदर उनके साथ न्याय करेगा। देखते हैं क्या करता है बंदर। बंदर की कचहरी लग चुकी है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान मैंने पहले ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर ने काली बिल्ली से कहा, बोलो तुमको क्या बोलना है। काली बिल्ली ने कहा, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान मैंने पहले रोटी को लिया था, है ना, इसलिए रोटी मेरी। तो फिर बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, है ना। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, दोनों आँखों से, दो आँखों से, दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि श्रीमान दो आँखों से, दोनों आँखों से देखी थी मैंने रोटी। फिर बंदर काली बिल्ली से कहता है, चलो अब तुम बताओ एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर ने कहा, तुम दोनों का था गवाह भी। गवाह का मतलब होता है कि क्या उस समय कोई था जो इन चीज़ों को देख रहा था, है ना, सबूत जिसको हम कहते हैं। तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, उस समय कोई था वहाँ पे गवाह जो तुम्हारी इन चीज़ों को देख रहा था। तो दोनों बिल्लियाँ कहती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, यानी कहीं पे कोई भी नहीं था, कोई भी कहीं नहीं था। बंदर मन ही मन बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, चलो बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर ने कहा, चलो ठीक है, बात बराबर हो गई, मेरा फैसला ये है कि तुम दोनों को रोटी तोड़ तोड़ करके बांट करके दे देता हूँ, मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा का मतलब बच्चों तराजू, है ना, मेरे पास तराजू है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलरों पर रखता है और उठाता है, एक पलरा नीचे और दूसरा ऊपर। आपने तराजू देखा होगा, है ना, जिधर भारी होती है रोटी, है ना, जिधर भी भारी सामान रखा होता है वो नीचे हो जाता है और हल्का वाला जिधर रखा होता है वो ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार बंदर यहाँ पर क्या कर रहा है, तराजू से तोलने की कोशिश कर रहा है रोटी को, और फिर वो बराबर बांटेगा दोनों बिल्लियों में। देखते हैं क्या करता है बंदर, ठीक है। बंदर ने क्या कहा, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर ने कहा, अरे ये टुकड़ा तो भारी हो रहा है, चलो इसे खाकर थोड़ा हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता, अब पहला पलरा ऊपर दूसरा नीचे, है ना। बंदर फिर क्या बोला कि अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर ने कहा कि अरे अब इस बार ये भारी हो गया, चलो इसे खा के थोड़ा हल्का कर देता हूँ। इसी प्रकार से करते करते बंदर ने क्या किया, देखो क्या किया। बंदर ने कहा, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। बंदर कह रहा है, टुकड़े भी कितने बदमाश हैं, कितने शैतान हैं, खोटे मीन्स अच्छे नहीं हैं, है ना।
बुरे हैं, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, है ना। मुंह थक गया बराबर करते करते, मुंह थक गया यानी मुंह थक गया खाते खाते, यहाँ पे बराबर करते करते का मतलब खाते खाते, बंदर का मुंह थक गया खाते खाते और तराजू उठाते उठाते हाथ थक गया, ऐसा बंदर बोल रहा है। अब फिर देखो क्या होता है कहानी में, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली से बोलती है। अब बिल्लियों को पता चल चुका था कि बंदर ने उसके साथ खेल खेला है और उसने चालाकी दिखला करके उनकी रोटी पूरी की पूरी खा ली। दोनों बिल्लियां हाथ मलती रह गईं, हाथ मलती रहना मतलब पछताना, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि काश हम आपस में बांट लेते, नहीं झगड़ते तो बंदर हमारी रोटी नहीं ले जाता। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली फिर बोलती है, बचा खुचा जो है उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। दोनों कहती हैं कि अब जो बचा खुचा है, जो बच गया है वही दे दीजिए, हम आपस में बांट के खा लेंगे। लेकिन बंदर कितना शैतान था, देखो उसने क्या कहा। बंदर ने कहा, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। बंदर ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें रोटी दे दूँगा फिर तुम दोनों झगड़ोगी, एक काम करता हूँ कि मैं झगड़े की जो ये जड़ है यानी झगड़े का जो ये कारण है रोटी, इसे ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा गया और तराजू लेकर भाग जाता है वहाँ से बंदर। दोनों बिल्लियाँ क्या बोलती हैं एक साथ, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हर बार रोटी। यानी दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने कहा कि आपस में झगड़ा कर बैठे हम, हमारी बुद्धि बिल्कुल ख़राब हो गई थी, है ना, हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बंदर रोटी तो ले जा चुका है, खा चुका है ना बच्चों। इस कहानी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं ये और बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने ये कहानी लिखी थी, एक तरह से नाटक हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक संदेश इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो बच्चों आपने इस कहानी से यही सीखा होगा कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना इसका फ़ायदा कोई और ले जाएगा। जैसे इस प्रकार आपने कहानी में देखा कि दोनों बिल्लियों ने झगड़ा किया और इसका फ़ायदा बंदर को मिल गया, इसीलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में, भाई बहन में, दोस्तों में, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से रहिए, आपस में प्रेम बनाए रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, इस पे नाटक करिएगा घर पे, यानी इसमें जो जो पात्र हैं आप अपने भाई बहन के साथ मिल करके इस पे नाटक भी कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।